वेलकम माई यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। आप सब कैसे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और मेरी दीदी आई हुई हैं और हम लोग कहीं जाने वाले हैं, पतिए वो जाएंगे तो मिलेंगे, थोड़ा फ्रेश व्रेश हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स काम उम हो गया है, सारे काम फिनिश हमने कर लिए, फिर अपने तैयार होंगे। तो आप लोग पूरे ब्लॉग में बने रहिए और ब्लॉग को इंजॉय करिए। तो फ्रेंड्स मैं बाबू को कपड़े पहना रही हूँ क्योंकि बाबू बार बार कपड़ा निकाल देती है। बच्चे हैं ना, बहुत शरारत करते हैं। मैं बाबू को बोल रही हूँ कि हाय करो तो बाबू डांस कर रही है। अब मैं बाबू को कपड़े पहना लूँगी तो फिर चलूँगी चाय बनाने, क्योंकि दीदी लोग आई हैं तो घर पे जब मेहमान आते हैं तो चाय तो पहले ज़रूरी होता है। तो ये मेरी चाय बन गई है, मैं अब इसे छान लूँगी और छानने के बाद दीदी लोग को चाय दूँगी। उसके बाद मैं तो वैसे फ्रेंड चाय पीती नहीं हूँ, ये भर गया, थोड़ा सा खाली कर देंगे। और मैं पीती नहीं हूँ लेकिन मौसम ठंडा है, फ्रेंड्स मैं चाय पीती नहीं हूँ लेकिन तो मौसम बदरी बदरी सा है तो थोड़ा ठंडा रहता है तो मैं चाय पी लेती हूँ। और मैं इसे चाय की आदी नहीं हूँ, इसलिए मैंने चाय बनाया। तो फ्रेंड्स बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, क्योंकि जब मौसम ठंडा रहता है तो मैं चाय एक आध बार पी लेती हूँ दोपहर में, क्योंकि दोपहर का समय और वो भी दोपहर में चाय। मैं सुबह के समय चाय एक बार पीती हूँ क्योंकि चाय फायदेमंद नहीं रहता है जो कि हानिकारक ही होता है, तो इसलिए मैं चाय ज़्यादा यूज नहीं करती हूँ। मैं बस एक बार चाय पीती हूँ तो मैं इसी के बारे में बता रही हूँ कि मैं चाय बहुत कम पीती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए मैं यहाँ पे तैयार हो गई हूँ और दीदी लोग अपने में बात कर रही हैं, तो देखिए मेरा लुक कैसा लग रहा है। मैं तैयार हो चुकी हूँ, मैं सिंपल तरीके से तैयार होती हूँ। फ्रेंड्स मैं चूड़ी पूरा कंगन के साथ नहीं पहनी हूँ क्योंकि सिंपल सिंपल एक मैं कंगन पहनी हूँ, तो दीदी लोग बोल रही हैं कि ये कंगन बहुत ही अच्छा लग रहा है और आप जिस ढंग से तैयार हुई हैं आपका लुक बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये कंगन बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने बोला कि बाबू को गोद में लेना पड़ता है तो चूड़ी उड़ी रहता है तो ज़्यादा परेशानी हो जाता है, तो इसलिए कंगन ही एक ही सही है। तो हम लोग बात करके हंस रहे हैं कि नहीं अच्छा है, अच्छा है, सही बोल रही हैं, बच्चों के लिए ही दिक्कत हो जाता है। तो फ्रेंड्स हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग माँ लक्ष्मी जी के दर्शन करने जा रहे हैं, जो कि कुमार का महीना शुरू हो जाता है तो 16 दिन माता लक्ष्मी जी का दर्शन होता है, तो उसी के बारे में मैं दीदी लोग से पूछ रही हूँ, जो कि मैं पहली बार जा रही हूँ तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि ये क्यों होता है। तो दीदी लोग बता रही हैं कि पहले से होता आ रहा है, 16 दिन दर्शन होता है जब कुमार चालू हो जाता है, कुमार का महीना तो चालू हो जाता है, तो हम लोग दर्शन सुबह से करते आ रहे हैं इसलिए हम लोग दर्शन करते हैं। तो हम लोग तो फ्रेंड्स देखिए इसी मेरी बहुत फास्ट है, घूमने फिरने में उसका मन बहुत ज़्यादा लगता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दुकान पे हम लोग आए हुए हैं, दीदी पैसे दे रही है, कुछ बच्चे को हम लोग सामान दिए थे खाने पीने वाला। तो फ्रेंड्स हम लोग पैदल ही चल रहे हैं इसलिए कि फ्रेंड्स ज़्यादा दूर नहीं है, घर के पास में ही है, तो हम लोग पैदल ही मस्ती करते हुए जा रहे हैं, जो कि रोड पे वीडियो बनाना बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि गाड़ी मोटर हमेशा आता जाता रहता है, तो इसलिए हम लोग रोड का ज़्यादा वीडियो नहीं बनाते हैं। फ्रेंड्स तो हम लोग आ गए माँ लक्ष्मी जी के मंदिर के पास, क्योंकि जो पोस्टर दिख रहा है वो तो खुद ही समझ में आ जा रहा है कि माँ लक्ष्मी जी के मंदिर के पास हम लोग आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं मंदिर में जाऊंगी, देखूंगी, क्योंकि पहली बार आई हूं फ्रेंड्स तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है कैसे है, तो थोड़ा देख लेते हैं। तो माँ का मंदिर ही सामने आ गया, दरवाज़ा खुला था, सब लोग दर्शन कर रहे हैं तो हम भी अंदर जाके प्रणाम वणाम करके आ रहे हैं। अब यहां से चलेंगे तो देखेंगे प्रसाद वसाद किधर मिलता है, तो उस साइड जाएँगे और प्रसाद वसाद जो भी चुनरी माला जो भी चढ़ाने को होगा तो लेंगे। देखिए काफ़ी लोग लेते हुए जा रहे हैं, तो देखिए फ्रेंड्स भीड़ बहुत ज़्यादा है लेकिन हम लोग भीड़ के किनारे हो गए हैं। देखिए माता जी का मूर्ति, क्योंकि यहाँ पर माता जी का ही सिर्फ मूर्ति मिलता है, माँ लक्ष्मी जी का और गणेश जी का बस, और किसी भगवान का नहीं मिलता है। मंदिर बहुत बड़ा है फ्रेंड्स लेकिन मैं नहीं दिखा सकती, कभी आऊँगी तो पूरा
दिखाऊंगी, पर आज बस सिर्फ हम लोग पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद दर्शन करके चला जाएगा। तो यहाँ पे दीदी बोल रही है कि यहाँ पे अच्छे से मिल जाएगा, सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, तो यहीं पर ले ले रहे हैं। तो हम बोले कि ठीक है दीदी, तो यहीं पर ले लेते हैं पूजा का सामान। तो भैया कह रहे हैं कि इतना इतना हुआ, तो हम बोले कि भैया ठीक से सब लोग दाम लगा के दे दीजिए। भैया कह रहे हैं ठीक है आप ही ले जाइए, ऐसे हमारे अरे भगवान जी के नाम पे सब कुछ तो उन्हीं का है। तो ऐसे हम लोग बातें कर रहे हैं, तो दीदी बोले कि नहीं पूरा सामान हो गया है। तो दीदी को हम बोले कि आप अच्छे से देख लीजिए सब कुछ हो गया है। तो दीदी देख रही हैं सब कुछ अच्छे से, कुछ छूटा तो नहीं है, नारियल हो गया, चुन्नी हो गया है। तो फ्रेंड्स आप लोग को भी आना है तो आ जाइए, भीड़ तो बहुत ज़्यादा ही है, पर मैं किनारे आ गई हूँ और हम लोग दर्शन कर लिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मेला भी लगता है, जैसे कि हर सामान सिंगार का मिलता है, सिंदूर बिंदी जो भी चाहिए सब मिलता है। तो हम लोग उसी में चूड़ी कंगन देख रहे हैं कि क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं अच्छा लग रहा है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो उसी में दीदी लोग भी देख रही हैं, हम भी देख रहे हैं। तो बाबू को एक ब्रेसलेट पसंद आ गया है, तो बाबू उस ब्रेसलेट को देख रही हैं। तो मैं बोली कि नहीं ये अच्छा लग रहा है ले लीजिए। तो इसी में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड ढेर सारे क्लचर है, गले में का है, तो जो भी सामान पसंद हुआ तो हम लोग ले लिए। तो फ्रेंड्स अब यहाँ से हम लोग चलेंगे कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि दर्शन वर्शन करने के बाद तो खाने पीने का ही मन करता है। तो इसी का पसंद है पानी पूरी, और मुझे भी अच्छा लगता है, खट्टा मीठा किसको नहीं पसंद है फ्रेंड्स, खासतौर तो लड़कियों को चटपटा ही पसंद होता है, तो इसलिए चटपटा हम लोग खाने के लिए आ गए हैं। तो कहीं भी हम लोग जाते हैं पहले पानी पूरी खाना पसंद करते हैं, तो पानी पूरी खाने के लिए हम लोग सब लोग रेडी हो गया है और बहुत इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स रोड पे खड़े होकर खाना थोड़ा सा भीड़ भाड़ में अच्छा नहीं लगता है। तो हम लोग एक किनारे चौतरे पे बैठ गए हैं और मेरी दीदी मैं हम दोनों लोग खा रहे हैं, तो अच्छा लगता है एकांत बैठ कर आराम से खाना पीना। तो एक किनारे हम बैठ गए हैं और एक किनारे बैठ कर हम लोग खा रहे हैं। तो इसी को भी हम बोल रहे हैं कि इसी तुम भी ले लो, तो इसे खा रही है। और इसी को थोड़ा सा बच्चे हैं तो इसी को थोड़ा सा तीखा लग रहा है, जो कि मैंने उसको मीठी चटनी डलवाया है। कैसा लग रहा है इसी? बच्चे हैं तो छोला होगा तो थोड़ा सा तीखा लगेगा, इसीलिए इसी मुँह बना बना कर खा रही है। ठीक है मैं बोले इसी और ले लो और ले लो। कैसा लग रहा है इसी? तो फ्रेंड हम लोग को घूमते घूमते शाम हो गया, अब हम लोग जा रहे हैं घर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।